काम एक करो क्लीशे ना। क्वेश्चन से, हम फिर से शुरुआत करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, यानी कि अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या रहा है, और आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो किस तरह का रहा है। तो जैसा आपने बताया, मेरा नाम साक्षी है, मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ, और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है। और 2017 में कॉलेज पास आउट करने के बाद मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की और फाइनली 2021 का एग्ज़ाम में क्लियर कर पाई हूँ। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकेंड इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद फाइनली जो रिजल्ट आया, जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा, तो एक ये भी क्लीशे क्वेश्चन मान सकते हैं कि आपका पहला रिएक्शन कैसा रहा? कई बार एक ये आता है कि हाँ, वर्ल्ड एट माई डिस्पोजल, कभी कभी बड़ा हम्बल फीलिंग आता है। तो आपका फीलिंग किस तरह से था, किस तरह से आपने रिएक्ट किया था अपनी सफलता पर? मुझे एक्चुअली आपने सही बोला, हम्बल फीलिंग ही आई थी। मुझे लगा क्योंकि जब आप इतने साल तक मेहनत कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट सामने आता है तो ऐसा फील होता है कि चलो एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा हुआ। बट जो आगे की जर्नी होती है वो हमें इंस्पायर करती है कि हम ज़्यादा एक्साइट ना हो, बट इस पे खुशी मना के और आगे की जर्नी को ज़्यादा सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। आपने जर्नी की बात की है तो हम जानना चाहेंगे कि इस पूरी जर्नी में आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या था, यानी इंस्पिरेशन क्या रहा, क्योंकि एक लंबी तैयारी हो जाती है, तो जिस चीज़ ने आपको मोटिवेशन आपका बना के रखा, वो ऐसी इंस्पिरेशन क्या थी आपके लिए, मोटिवेशन क्या था? वही सवाल कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन सिविल सर्विसेज वॉज द मोटिवेशन। और उसके अलावा मैंने काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, जैसे विवेकानंद को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, तो उनकी लाइफ को पढ़ने के बाद और उन्होंने जितने स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में वो पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं था कि हमारा स्ट्रगल बहुत बड़ा है। तो वो हमेशा से इंस्पायर करते रहे हैं मुझे, इसलिए मैं इतनी लंबी जर्नी को अच्छे से पूरा कर पाई हूँ। और इस लंबी जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी अभी तक की प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही? प्रिपरेशन क्या की लेस जर्नी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या आपके मतलब लेसन्स रहे, क्या स्ट्रगल्स रहे? कई बार एक सैड फेज आता है, एंग्जाइटी वाला फेज आता है, तो आपके लेसन्स क्या रहे इस जर्नी में, और आपकी स्ट्रगल्स क्या रहे, और किस तरह से आपने कोप अप किया? जर्नी की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक अ फेज ऑफ योर लाइफ एंड इट कंसिस्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट यू हैव टू कोप अप विद इट। बिकॉज आप 3 घंटे से ज़्यादा खुद को सैड भी नहीं रह सकते, क्योंकि 10 घंटे की पूरे दिन की जो पढ़ाई है उसमें 3 घंटे अगर आप सैड ही हो जाएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट, सैड फेजेस, इन चीज़ों को आप ओवरकम जितनी जल्दी से जल्दी कर सकें और उसका सोर्स भी आप निर्धारित कर लें कि क्या चीज़ें हैं जो आपको चीयर अप कर सकती हैं और उन्हीं चीज़ों के साथ आप रहें उन सैड फेजेस में। किसी हॉबी का होना या दोस्तों का होना इस चीज़ में हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा मेरी हॉबी म्यूज़िक रही है और मेडिटेशन भी मेरी हॉबी रही है, तो मैं दिन की शुरुआत ही ऐसे करती थी कि मेडिटेशन और म्यूज़िक का थोड़ा रियाज़ करके और फिर अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाना और उसको निर्धारित करना कि मुझे कैसे अपना दिन बिताना है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और आपको सक्सेस दिलाने में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया आप इंजीनियर ग्रेजुएट हैं, तो इस तैयारी से पहले आपके दिमाग में कभी इस तरह का बैकअप प्लान क्रिएट हुआ कि अगर यहाँ सफलता ना मिली तो इस क्षेत्र में मैं जा सकती हूँ, या आप कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह के बैकअप प्लान रखें? मुझे कभी भी प्लान बी बनाने का उतना मन हुआ नहीं। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स कोशिश किए कि दूँ, बट हमेशा से यूपीएससी के साथ जिनका अट्रैक्शन हो जाता है वो रिवर्ट बैक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट ना आ जाए आपकी लाइफ में, मुझे लगता है आपको स्ट्राइव करते रहना चाहिए यूपीएससी के लिए। और प्लान बी ठीक है, आप बनाएं वेल एंड गुड, बट यूपीएससी मिल जाए तो इट्स बेस्ट। जर्नी के बारे में काफ़ी आपके मैच्योर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड थॉट्स हैं। आगे हम सीधा प्रिपरेशन के बारे में कुछ बात करते हैं कि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रेफरेंस मिले कि किस तरह के मोड में आप कंफर्टेबल हैं, व्हाट वुड यू सजेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन? यानी कि कई लोग मोबाइल पर पढ़ना पसंद करते हैं, कई लैपटॉप पे, कई को सिर्फ बुक्स चाहिए होती हैं।
तो कौन सा मूड आपके लिए कंफर्टेबल रहा या फिर मिक्स ऑफ बोथ? मतलब पहले तो बिफोर कोरोना इट वाज मेनली ऑफलाइन विद बुक्स एंड कोचिंग्स एंड मटेरियल रिलेटेड टू देम, बट आफ्टर कोरोना थोड़ा सा मिक्स हो गई हैं चीज़ें. डिजिटल लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स, वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको डेली अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं. तो मुझे लगता है कि उनका भी होना और बुक्स तो इंडिस्पेंसिबल है लाइफ के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, तो बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते और उन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर देती हूँ मैं. सही कहा आपने, बुक्स इंडिस्पेंसिबल हैं और जितने हम नोट्स बनाए इनसे बार बार दोहराएं इनके लेसन्स को, उतना ही बेहतरी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल. तो हम जानना चाहते हैं कि आपने इन किताबों से नोट्स बनाए थे या नहीं, मैंने या नोट्स बनाए थे और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लगता है मुझसे यही गलती हो गई थी कि मैंने नोट्स अपने बनाए नहीं उन किताबों से या फिर न्यूज़पेपर से, बट थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यही कोशिश की कि मैं जितने समराइज कर सकूं अपनी पढ़ाई को उतना रिवीजन के लिए अच्छा होता है कि इतनी लंबी चीज़ों को, इतना ह्यूज सिलेबस जब रिवाइज करना होता है, आपके पास 5 पॉइंट्स जब होते हैं किसी भी टॉपिक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर रिवाइज करने के लिए भी. जी। और न्यूज़पेपर आपने कौन सा रेफ़र किया था, हिंदी में या इंग्लिश में? और क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो लोग रेफ़र करते हैं, आपका क्या सजेशन है न्यूज़पेपर को लेके? न्यूज़पेपर जब तक मैं प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो आई कुड हैंडल ओनली वन न्यूज़पेपर एंड दैट वाज द हिंदू. और कभी कभी मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी, बट इन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मुझे लगा कि 3-4 न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और उनमें से जब आपके स्टेट के कुछ हिंदी न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उनको पढ़ के भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं. तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कभी मिंट, कभी बिजनेस स्टैंडर्ड, तो ये सारी चीज़ें हम मतलब रेफर करते थे. जी। और ये न्यूज़पेपर के अलावा कैन कुड यू प्लीज़ टेल अस द रेफरेंस स्टडी मटेरियल, बुक लिस्ट, इफ़ रिक्वायर्ड कैन यू प्लीज़ इंक्लूड द ऑप्शनल सब्जेक्ट रेफरेंस बुक्स ऑल्सो? अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने बहुत रेफरेंस बुक यूज़ नहीं किया. कुछ चीज़ें थी जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में मेनली कुछ जो फॉरेन एम्बेसडर्स के द्वारा लिखी हुई हैं मैंने उनको रेफ़र किया था, अदरवाइज मैंने कोचिंग नोट्स ही रेफ़र किए. आपका ऑप्शनल क्या था सब्जेक्ट? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल साइंस। रिलेशंस. और जीएस पेपर के लिए आप किस तरह के सोर्सेस रिकमेंड करेंगे? जीएस के लिए वही आई वुड से कि 5 बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर योर बेसिक्स, लक्ष्मीकांत एंड शंकराइज फॉर इन्वायरमेंट, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री एंड ऑल दोज सबको पता है. बट जब बात मेंस की आती है तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स मटेरियल जो है मार्केट में, कोई भी मटेरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे न्यूज़पेपर में 3-4 दिनों से या हफ्ते भर से आर्टिकल आ रहे हैं, मुझे लगता है उनको आपको समराइज करके और उन पे पूरा एक नोट्स तैयार कर लेना चाहिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो. जी। और अगर हम एस्पिरेंट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम बुक लिस्ट, न्यूज़पेपर एंड द जर्नी, इफ़ यू वांट टू आस्क सम सजेशन फॉर एस्पिरेंट्स फॉर देयर इफेक्टिव प्रिपरेशन इन इन दिस एग्जामिनेशन और एनी मिसकॉन्सेप्शन यू कैन टॉक अबाउट, तो आप किस तरह के मिसकॉन्सेप्शन को एड्रेस करना चाहें या फिर कुछ सजेशन देना चाहें जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो मुझे लगती है कि यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल. नो इट्स नॉट. व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हेन यू गो इलैबोरेटली विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, इट इज़ नॉट अनप्रेडिक्टेबल. आई कुड कंप्लीटली प्रिडिक्ट द प्रीलिम्स क्वेश्चन एज वेल. सम क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड, सम टॉपिक्स आर रिपीटेडली आस्क्ड. और मेंस में जब आपको लिखना होता है तो बहुत एक सेट पैटर्न है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. आपको अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है मेंस के लिए. और रही बात इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है, क्या सवाल पूछ देंगे. ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सवालों का जवाब दो, है ना. आई डोंट नो भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, क्योंकि हम गॉड नहीं हो सकते. इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी और सीखने की जो लालसा होती है, द ईगरनेस ऑफ लर्निंग शुड बी देयर इन योर माइंड ऑलवेज.
सीधी बात करें, अगर आप क्यूरियस हैं कि किस तरह का पैटर्न है और रिफर करते हैं सिलेबस को और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, तो राइट, इजीली प्रेडिक्टेबल है, एटलीस्ट श्योर मोस्ट ऑफ द एग्जाम इज प्रेड. क्वेश्चंस, यस, या सो इंटरव्यू की जैसे हम बात करें, तो आप अपना थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ अगर ऐसे कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए हों या फिर कि ऐसे इंस्टेंसेस हुए हों यहाँ पर आपको लगा है कि कुछ शेयर करना चाहिए. फनी तो एज सच कुछ भी नहीं हुआ, बट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल होता है. वहाँ जाने के बाद आपको कंफर्टेबल करते हैं अच्छे से, आप जैसे जो पानी लेना चाहो या कुछ भी. उसके बाद उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे, उन्होंने पहले ही मुझे ये वार्निंग दी कि इफ़ यू डोंट नो समथिंग प्लीज़ डोंट बैफल अस, एंड आप एक्सेप्ट कर लो कि आई डोंट नो. मैंने कहा ओके सर. और फिर उन्होंने डीमोनेटाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जो कि अब से 6 साल पहले हुआ था, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोचते रहते हैं कि अभी करंट का पूछेंगे या कुछ भी. तो ये चीज़ें हैं ना जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री से लेके अभी तक के, वो आप दिमाग में थोड़ी बहुत एनालिसिस करके रखो. तो वो डीमोनेटाइजेशन का सवाल मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, और फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन वॉज ऑन दैट, तो मुझे लगा कि मैं उसके लिए तैयार नहीं थी. तकरीबन 2017-18 में डिमोनेटाइजेशन काफ़ी हॉट टॉपिक हुआ करता हाँ था, राइट. दिल्ली आना, एक एस्पिरेंट्स की बात करें तो दिल्ली आना एक तरह से मक्का ऑफ आईएएस प्रिपरेशन, यूपीएससी राइट, प्रिपरेशन. सो इज़ इट नेसेसरी टू कम टू दिल्ली, इज़ इट मैंडेटरी टू विजिट दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इज़ इट ए मिथ इन द एरा ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली आना इम्पोर्टेंट है. बट मैं क्यों आई थी दिल्ली, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि आई हैव अ फैमिली ऑफ 25 to 30 मेम्बर्स, आई हैव अ जॉइंट फैमिली, एंड आई कुड नॉट स्टडी वेल देयर. तो मुझे एक आइसोलेशन जो चाहिए था और एक माहौल जो चाहिए था, वो मैंने दिल्ली में देखा कि मुझे मिल सकता है, इसलिए मैं यहाँ आई. बट अगर आपके आपके घर में ऐसा माहौल है जहाँ पे आप आइसोलेशन में पढ़ सकते हो, 10-12 घंटे टाइम आप बुक्स को, पढ़ाई को दे सकते हो, यू शुड स्टे देयर. आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, खुद को ज़्यादा टाइम दो. ये अगर आप कर पा रहे हो घर पे, इट्स इट्स बेटर टू बी एट होम. तो क्वालिटी का और मटेरियल का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप घर बैठ के भी करते हैं तो यू कैन गेट सेम क्वालिटी ऑनलाइन. मुझे लगता है कि कोरोना के पहले ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती थी जहाँ क्वालिटी या ऐसी बातें हो सकती थी, बट अभी मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आर गिविंग देयर मटेरियल ऑनलाइन. तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे. अच्छा, अभी एक नया इनिशिएटिव था कैफे आईएएस का, आपने शायद एक आध दो वीडियोस देखे भी जी हैं, जी मैंने देखी तो भी है. आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, अगर आप शेयर करना चाहें, इफ़ पॉसिबल? कैफ़े आईएएस की मैंने जो वीडियोस देखी हैं, जैसे कि हिस्ट्री से मेनली जो वीडियोस हैं, 1773 से लेके 1935 तक के जो एक्ट्स हैं, उन पे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक्स बताते हुए आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आई हैव सीन दोज वीडियोस एंड दे वर हेल्पफुल टू मी. तो बेसिक्स अगर क्लियर करने हैं आपको, तो आप कैफ़े आईएएस को रेफ़र कर सकते हो डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. और लास्ट में एक सिली क्वेश्चन, कि आपने कौन सा पेन यूज किया था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं स्टूडेंट्स के, तो पेन कौन सा यूज किया था एग्जाम में, जो जनरली कोई कई की पेन्स हैं, तो आपने कौन सा यूज किया था? मैंने मेंस के लिए पायलट के पेन यूज़ किए थे, मैथ्स पायलट का V5 यूज़ किया वी था. फाइव और बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस पेन से लिख रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू. आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैफे आईएएस में थैंक यू आने सो के लिए मच. भी, और हम फिर से सफलता की, आपकी भविष्य में सफलता की कामना करते हैं. थैंक यू सो ऑल द मच. वेरी बेस्ट, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर. मच, थैंक यू. थैंक यू.